आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही अच्छी है, सभी को पसंद आने वाली है और गर्मियों के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं और ये डिज़र्ट सभी को बहुत पसंद आएगा। ये डिज़र्ट बनाना भी बहुत आसान है और टेस्टी भी बहुत बनता है। अगर गर्मियों में इस तरीके का डिज़र्ट खाने को मिल जाए ठंडा ठंडा सा, तो क्या बात है, बहुत ही बढ़िया सा डिज़र्ट बनता है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होता है। चलिए देख लेते हैं इस डिज़र्ट को हम कैसे बना रहे हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस रोज़ फ्लेवर के डिज़र्ट को बनाने के लिए हमने यहाँ पर पैन लिया है, उसके अंदर डालेंगे 2 कप दूध। मेज़रमेंट से आप किसी भी बोल से इसके अंदर दूध मेज़र करके डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर 2 कप दूध डाल दिया है, उसी हिसाब से मैं बाकी कई चीज़ें इसके अंदर डालूंगी। दूध को डालने के बाद अब हम इस दूध के अंदर डालेंगे कॉर्नफ्लावर या कॉर्नस्टार जिसको कहते हैं, कॉर्न सूप बनाने वाला कॉर्नस्टार वही हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। 2 चम्मच भरकर मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डाल दूँगी। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद अब हम इसके अंदर चीनी डालेंगे और उसी चम्मच से मैं इसके अंदर 4 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। और अगर आप थोड़ा सा मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप 1/2 चम्मच बढ़ा भी सकते हैं। मैंने 4 चम्मच इसके अंदर चीनी डालकर इन सारी चीज़ों को पहले अच्छे से मिला लेना है। मिलाने का मतलब ये है कि जो हमने कॉर्नफ्लावर डाला है उसके लम्स ना हो और हमें कॉर्नफ्लावर को अच्छे से दूध के साथ मिक्स कर लेना है। देखिए दूध के साथ हमने कॉर्नफ्लावर मिक्स कर लिया है। अब चलते हैं गैस की ओर। गैस पर हम पैन को रख देंगे गर्म होने के लिए ताकि ये दूध जो है अच्छे से गर्म हो जाए। और कॉर्नफ्लावर डाला है तो इसको हमें लगातार स्टर करते रहना है, चलाते रहना है, बीच में छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि कॉर्नफ्लावर है वो जल्दी से नीचे सेट हो जाएगा, इसीलिए हमें लगातार चलाते हुए इसे गाढ़ा करना है। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, जैसे कि दूध को उबाल आ जाएगा तो गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमा करेंगे और लगातार स्टर करते रहेंगे। कॉर्नफ्लावर है नीचे चिपक जाएगा और अच्छे से स्टर करते रहेंगे जब तक कि ये बढ़िया से गाढ़ा ना हो जाए, क्योंकि इसे हमें सेट करना है, इसीलिए अच्छे से गाढ़ा होना चाहिए और लगातार चलाते हुए हमें इसको 3-4 मिनट के लिए पका लेना है। और देखिए हमारा जो ये मिश्रण है बहुत ही अच्छे से गाढ़ा क्रीमी सा हो चुका है और इसको रोज़ सिरप का टेस्ट देने के लिए हम इसके अंदर रोज़ एसेंस डाल रहे हैं थोड़ा सा, और डालकर फिर से अच्छे से मिलाएंगे, बढ़िया से मिक्स करेंगे। हमने देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये और भी गाढ़ा हो चुका है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको स्टर करते हुए ठंडा करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो इसके ऊपर एक परत सी जम जाती है, मलाई सी जम जाती है, क्योंकि हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डाला है, इसीलिए अच्छे से स्टर करते हुए इसको ठंडा कर लेना है। हमने इसको हल्का ठंडा कर लिया है, अभी पूरे तरीके से ठंडा नहीं इसको करना क्योंकि हमें इसको गिलासों के अंदर डालना है। हमने यहाँ पर 2 गिलास ले लिए हैं, इन दोनों के अंदर हम ये मिश्रण डाल देंगे। दोनों गिलासों के अंदर ये मिश्रण डाल दिया है, आधा आधा हमने कर लिया है क्योंकि हमें इसके ऊपर और भी एक लेयर बनानी है जिसको हम बाद में बनाते हैं। अभी इस मिश्रण को हम ठंडा करने के लिए फ्रिज के अंदर रख देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है उतनी देर में हम इसकी दूसरी जो लेयर बनाएंगे उसकी तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए भी हमने पैन ले लिया है, अभी हमने गैस बिल्कुल भी ऑन नहीं की है और इसके अंदर डालेंगे हम पानी। पानी ले रहे हैं हम उसी कप से, 2 कप पानी ले रहे हैं। 2 कप पानी के अंदर मैं चीनी डालूंगी, 5 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। और साथ में हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर, कॉर्नफ्लावर भी मैं इसके अंदर 2 चम्मच भरकर उसी चम्मच से डाल रही हूँ। 2 चम्मच हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डाल दिया है। अब डालेंगे इसको एक कलर देने के लिए, मैं इसके अंदर रेड फूड कलर डाल रही हूँ, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा रेड फूड कलर डालूंगी, इससे कलर बहुत ही बढ़िया हमारे मिश्रण का हो जाएगा। और इस सारे चीज़ों को अच्छे से पहले मिला लेना है, जैसे कि कॉर्नफ्लावर डाला है उसको अच्छे से मिक्स करना है, उसके बाद ही हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे। मिलाने के बाद अब हमने गैस का फ्लेम जो है ऑन कर दिया है और चलाते हुए हमें इसको गाढ़ा करना है, जैसे कि हमने पहले किया था इसी तरीके से लगातार चलाते हुए इसको गाढ़ा करेंगे। और आप देख सकते हैं हमारे मिश्रण को उबाल आ चुका है और धीरे धीरे ये पक भी रहा है बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बढ़िया कलर रेड आ चुका है इसके ऊपर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हम स्पैचुला ले लेते हैं क्योंकि हमें
साइड से भी इसको छुड़ाते हुए अच्छे से पकाना है, और जब तक कि ये बढ़िया से गाढ़ा ना हो जाए तब तक हमें इसको पकाना है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया गाढ़ा भी हो चुका है। अब डालेंगे हम इसके अंदर रोज एसेंस, और साथ में हम डाल देंगे हैवी व्हिपिंग क्रीम डाल रहे हैं इसके अंदर आधा कप डालकर हम अच्छे से मिला देंगे। अगर आपके पास ये क्रीम नहीं है तो आप घर की मलाई जो होती है फ्रेश मलाई का यूज़ कीजिए, 4-5 चम्मच आप इसके अंदर फ्रेश मलाई डाल सकते हैं। बहुत ही टेस्टी उससे भी बनता है, बहुत ही क्रीमी सा बन जाएगा ये डिज़र्ट और टेस्ट भी बहुत देगा। और इसको मिलाने के बाद अब हम कुछ देर इसको पकाएंगे, क्रीम को डालने के बाद 1-2 मिनट पका लेंगे ताकि तब तक ये फिर से गाढ़ा सा ना हो जाए, तब तक हमें इसको पका लेना है। और देखिए हमने इसको अच्छे से लगातार स्टर करते हुए फिर से कुक कर लिया है, बहुत ही अच्छा सा डिज़र्ट बनकर तैयार हो चुका है। थोड़ा सा इसको हम फिर से ठंडा कर लेते हैं, और देखिए हमने इसको ठंडा कर लिया है। चलिए जो गिलास हमने फ्रिज के अंदर पहले डिज़र्ट बना के रखे थे वो निकाल लेते हैं, उसके अंदर हमें इसको डालना है। इस तरीके से ये रेड वाला जो मिश्रण है उन्हीं गिलासों के ऊपर डाल देंगे, अच्छे से स्प्रेड करेंगे, बढ़िया से इसको दोनों गिलासों के अंदर भर लेना है। हमने ये मिश्रण को दोनों गिलासों के अंदर भर लिया है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। ऊपर से थोड़े से हम कटे हुए फ्रूट्स डालेंगे, आपके पास जो भी अवेलेबल फ्रूट है वो इसके अंदर डाल दीजिए, ऊपर से गार्निशिंग कर दिए जो देखने में अच्छे लगेंगे। मैंने थोड़ा सा संतरे को इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर लिया है, वो डाल देंगे दोनों गिलासों के ऊपर। और साथ ही में मेरे पास घर पर कीवी थी तो कीवी को भी मैंने इस तरीके से छोटे टुकड़ों में काटा है, बिल्कुल बारीक टुकड़ों में काट के लिया है। जो इसमें कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा लग रहा है, जो हमने फ्रूट्स डाले हैं बहुत बढ़िया लग रहे हैं, दोनों गिलासों के ऊपर डाल दिए हैं, खाने में भी अच्छे लगेंगे, टेस्टी है बहुत ही बढ़िया, और देखने में तो अच्छा लग ही रहा है डिज़र्ट। और इसको फ्रिज के अंदर रखकर ठंडा ठंडा खाइए, बहुत ही बढ़िया है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, मिलते हैं अपनी एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।